हेलो एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग सो दिस इज अबाउट मी आई एम सोनप्रिया आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानने लगे होंगे जो रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं मैं आपकी हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड आपका यूपीएससी का जो ई ओ एपीएससी का बैच है उसके लिए आज हम लोग गवर्नर जनरल और वाइस की जो सीरीज है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो बेसिकली आपके बाकी पार्ट में कवर नहीं हुए हैं तो हम लोग रोज रोज क्या करेंगे चार गवर्नर गवर्नर जनरल या वाइस रॉयज जो रौई है उनको लेंगे सीरीज से एंड देन वी विल बी कवरिंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू देम तो इससे क्या होगा कि आपने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है राइट right? हमने कुछ बैटल सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है कुछ इन जनरल क्वेश्चंस को सॉल्व किया है अब यहाँ पे कुछ गवर्नर जनरल स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व हो जाएंगे तो एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा और दूसरा आपको कुछ अनोन चीजें भी पता चलेंगी इन क्वेश्चंस के वाया ओके okay? सो so, आज आपका इसमें फर्स्ट है वी विल बी कंप्लीटिंग दी एंटायर सीरीज टिल आपके लास्ट वॉइस रॉय तक माउंट बैटन यार क्लासेस का टाइमिंग एक बार देख लो आपकी मास्टर क्लास होती है टेस्ट बुक की ऐप पे मंडे टू फ्राइडे 3:15 फिफ्टीन टू थ्री फोर्टी और यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिलहाल के लिए हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को कर रहे हैं ईयर वाइज बोथ हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के आपके सारे क्वेश्चन सो so, हमने 2013, 2014 के कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर कर लिया है और बाकी जो बचे हैं वो कल की क्लास में हम करेंगे सो so, सिमिलरली ऐसे आपका 2022 तक जो पूरे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस से ईयर वाइज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इन डेप्थ तो आप चाहें तो इस मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं आपको काफी बेनिफिट होगा इसके अलावा इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ आपका मंडे टू वेंसडे सेवन टू एट फिफ्टीन पी एम यूट्यूब पे ये वाली क्लासेस होगी जहाँ पे हम कुछ प्रिलिम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से उनको रिवाइज करेंगे बाकी यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कोई क्वेरी है कोई कंसर्न है एग्जाम के प्रेपरेशन से रिलेटेड तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स ओवर देयर ज्वाइन कैसे करना है क्यूआर कोड को स्कैन करके या एट द रेट सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक सर्च करके साथ ही मैं आप एक और काम यहाँ पे जितने भी अपडेट्स होते हैं एग्जाम रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे कोई और इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी बुक की तरफ से कोई स्पेशल ऑफर है वो मिल जाएगा है ना कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स होते हैं जो आपको टेलीग्राम वगैरह पे बताए जाते हैं शायद यहाँ पे नहीं तो डू ज्वाइन दिस बाकी और कुछ भी डाउट है कुछ कंसर्न है, है आप पूछ सकते हो यहाँ पे सो गवर्नर जनरल के क्वेश्चन को हम करेंगे

कि ये जो आपका लेक्चर है शेयर हो गया है क्या टेलीग्राम पे एंड आप चाहें तो आप भी इसको शेयर कर सकते हैं सो ओके सो लेट मी शेयर दिस आप चाहें तो आपको अगर लेक्चर पसंद आता है आप भी शेयर कर सकते हैं हम्म hmm. uh, ये हमारा हो गया है राइट right? यार मिनट बस ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने उस दिन कर लिया था राइट दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द फेमिन कोड सो अभी भी लोग यहां पे वेलबी कमीशन आंसर कर रहे हैं आई डोंट नो व्हाई हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था उस दिन कि आपका फेमिन कोड जो आया अकाल संहिता ये स्ट्रेशी कमीशन जो है इसके रिकमेंडेशन पे आया राइट right? स्ट्रेशी कमीशन जो है इसकी रिकमेंडेशन पे आया और ये स्ट्रैशी कमीशन जो है ये आपका 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम पे एस्टेब्लिश किया गया था जब बहुत खराब हालत थी है ना भुखमरी की फैमिन की कंडीशन थी सो और इसने अपनी रिकमेंडेशन जो दी कमीशन ने उसके बेसिस पे फिर फे फे एक फेमिन कोड या अकाल संहिता जो है उसको डेवलप किया गया क्योंकि स्ट्रेसी कमीशन ने भी कहा था कि आप एक फेमिन कोड जो है उसको फॉर्म कीजिए कि अकाल की स्थिति से पहले है ना फैमिन की जो कंडीशन है उससे पहले आपको प्रोएक्टिवली क्या स्टेप्स लेने हैं प्रिवेंटिव स्टेप्स ताकि आप अकाल की स्थिति पैदा ही ना होने दें अगर स्थिति पैदा हो गई है तो ऑफिसर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने हैं जैसे उन्होंने कहा कि आपको मार्केट प्राइस जो है फूड का है ना फूड ट्रेड जो है या फूड का जो मार्केट प्राइज है फूड आइटम्स का उसमें आपको इंटरवीन करना होगा सो दिस वी हैव ऑलरेडी है इसके अलावा आपको पता है वेलबी well कमीशन जो है ये रॉयल कमीशन ऑन एक्सपेंडिचर था और बेसिकली आपके जो मॉडरेट लीडर्स हैं उनकी जो कम्प्लेन थी कि आप लोग जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं या इंडिया की जो वेल्थ है उसको एक सिस्टेमेटिक मैनर में लंडन ट्रांसफर कर रहे हैं और इसका इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है है ना अ पार्ट ऑफ इंडियन जी डी पी इज नॉट अवेलेबल टू द इंडियंस सो ये जो कम्प्लेन है इसमें इंक्वायर करने के लिए आपका वेलबी well कमीशन जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1895 के अंदर ठीक है सो so, एलगिन जो है ये इस टाइम पे आपके वाइस रॉय थे हंटर कमीशन हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन लॉर्ड रिपिन के टाइम पे इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया और जैसा कि आपको बताया था उस दिन भी कि ज्योतिबा फुले हैं आपकी पंडिता रमाबाई सरस्वती जी हैं उन लोगों ने भी इस कमीशन के सामने उनकी जो राय है उनकी जो बात है एजुकेशन को लेकर के उसको रखा था कि किस तरीके से जो ऐसे सेक्शन हैं फीमेल हैं दलित हैं है ना जो लोग सिस्टेमेटिक तरीके से एजुकेशन से दूर रखे गए हैं उनके एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए उनके बीच में आप क्या करेंगे और हंटर कमीशन का जो प्राइमरी काम था वो क्या था उसका काम था कि वुड्स डेस्पैच जो आपका 1854 में आया था चार्ल्स वुड ने जो भेजा था राइट सो चार्ल्स वुड ने जो है जो वुड्स डेस्टेच भेजा था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि मास एजुकेशन जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी है उसमें क्या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है क्योंकि देर वर कि वुड्स ने मास एजुकेशन की बात की थी लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम जो है वो नहीं हो रहा है हमने लॉटरी कमेटी के उस दिन बात की थी कि लॉटरी कमेटी जो है बेसिकली टाउन कमेटी को कहा गया और ये टाउन कमेटी जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कि जो इंडियन हिस्सा है टाउन्स का है ना जो आप कैलकटा के अंदर अगर देखो तो जो इंडियन एरियाज हैं जहाँ पे इंडियंस रहते थे उन एरियाज के अंदर प्रॉपर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए सैनिटेशन के लिए जो स्टेप्स लेने हैं उसके लिए एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इसे लॉटरी कमेटी क्यों कहते हैं क्योंकि टाउन प्लानिंग के लिए एंड टाउन रीडेवलपमेंट uh, के लिए सैनिटेशन हाइजीन के लिए जो स्टेप्स ले रही थी उसके लिए जो फंड्स हैं वो ये लोगों से लॉटरी के वाया कलेक्ट कर रहे थे थर्ड हमने यहाँ पे कहा था कि जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है उसने आपके सार्जेंट प्लान जो है है ना uh, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट सेटअप कमिटी फॉर सार्जेंट प्लान विच वॉज रिलेटेड टू सो इसमें बेसिकली वो पूछ रहे हैं आपसे कि जो सार्जेंट प्लान है ये क्या था तो आपको यहाँ देखना होगा कि सार्जेंट कमिटी जो है ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड थी है ना ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड थी सो so, आप यहाँ पे देखिए सार्जेंट प्लान के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे चलिए यहाँ देखते हैं एक बार ठीक है सो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट सेट अप अ कमेटी फॉर प्लान रिलेटेड टू द एजुकेशन जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे आगे देखते हैं सार्जेंट प्लान क्या था सो so, आप देखिए 1940 से 46 के बीच में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे कोई भी पॉपुलर मिनिस्ट्री नजर नहीं आएगी आपको पता है 1937 के इलेक्शंस के बाद में जो प्रोविंसेस के अंदर पॉपुलर मिनिस्ट्रीज जो हैं वो पिक्चर में आई थी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था अपना अक्टूबर 1939 में आपका जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब सो so, जब आपकी ये जो पॉपुलर मिनिस्ट्रीज हैं दे वर नॉट प्रेजेंट तो इस टाइम पे आप क्या देखोगे कि इंडिया में जो पॉलिटिकल सीन्स है उसमें काफी प्रॉब्लम्स है और जो गवर्नमेंट है वो वॉर एफर्ट्स में लगी हुई है ऐसे में आपका जो एजुकेशन में प्रोग्रेस है वो रुक सा गया था वो रुक सा गया था सो so, हम क्या देख रहे हैं कि वॉर चल रहा है पॉपुलर मिनिस्टर्स ने रेजिग्नेशन दे दिया है और जो गवर्नमेंट है इट इज प्री ऑक्यूपाइड विद वॉर एफर्ट्स और ऐसे में एजुकेशन टुक बैक सीट एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया गया सो so, आप देखोगे कि, कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो आपका जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका टाइटल क्या है पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया और ये आप यहाँ पे देखोगे कि फर्स्ट सिस्टेमेटिक एंड नेशनल लेवल अटेम्प्ट है फर्स्ट सिस्टेमेटिक नेशनल लेवल अटेम्प्ट है जहाँ पे एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है उसे एक होलिस्टिक मैनर के अंदर एक कंप्लीट पिक्चर के रूप में देखा गया और सार्जेंट प्लान जो है उसने हमें कंप्लीटली एजुकेशन कैसा होना चाहिए क्या क्या स्टेप्स ले जाना चाहिए उस पर एक डिटेल्ड पिक्चर जो है वो प्रोवाइड करी है और क्यों किया है क्योंकि उस टाइम इसको सार्जेंट प्लान क्यों कहते हैं क्योंकि जॉन सार्जेंट जो हैं ये उस टाइम पे एक आपके एजुकेशनल एडवाइज़र थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सो so, भारत सरकार जो है उसके एजुकेशनल एडवाइजर हैं जॉन सार्जेंट जिनके एडवा उन, जिनके recommendations पे ये आपका सार्जेंट प्लान आया है ठीक है और जो ये सार्जेंट प्लान आया है इसी को कैसे ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना है इसके लिए गवर्नमेंट एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती है अब सार्जेंट प्लान क्या कहता है ये थोड़ा सा आपको देख लेना है क्योंकि और एक और बात इसके साथ-साथ में आप यहां पे देख रहे हो और भी एजुकेशनल कमीशन हैं या रिपोर्ट्स हैं या कमिटीज हैं इनको भी आपको अच्छे से कवर करना है चार्ल्स वुड डेस्पेच है हंटर कमीशन है है ना आपका ये रेले कमीशन है सेडलर कमीशन है हार्ट डॉग कमीशन है सार्जेंट प्लान है सो so आपको ध्यान रखना वर्धा स्कीम है जितना भी एजुकेशन में स्टेप्स लिया गया है ये आपको कंप्लीट करना है स्पेक्ट्रम के बैक पेजेस से इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं अगर हम सार्जेंट प्लान की बात करें तो इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि एक नर्सरी जो है है ना नर्सरी जो है इसको एस्टेब्लिश किया जाए जो अंडर सिक्स मतलब जो आपके थ्री टू सिक्स के बच्चे हैं उनके लिए थ्री टू सिक्स के जो बच्चे हैं उनके लिए एक नर्सरी स्कूल एस्टेब्लिश किया जाए जहां पे पे बेसिस स्टूडेंट्स आ सकते हैं फिर सिक्स टू इलेवन ईयर्स की एज के बच्चों की बात करें और यहां क्या कहा फ्री एंड कंपल्सरी फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स सो थ्री टू सिक्स में नर्सरी एजुकेशन की बात हो रही है जहां वॉलेंटरी है अगर पेरेंट्स चाहें तो भेज सकते हैं अपने बच्चे को लेकिन उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि टू जो है यहाँ पे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगा गर्ल्स एंड बॉयज सबके लिए प्राइमरी एजुकेशन सबको लेना है इसके बाद इलेवन टू सेवनटीन ईयर्स ऑफ एज जो है ये आपका क्या टाइम है आपका हायर एजुकेशन है ना सेकेंडरी और हायर एजुकेशन वाला टाइम पीरियड है अब यहां पे क्या होगा इलेवन टू सेवनटीन वाले में इन्होंने कहा एक जो है आप एजुकेशनल वाला ही कंटिन्यू करिए और दूसरा आप जो है यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग इनको दे सकते हो तो एक होगा कि चलो ठीक है नर्सरी स्कूल में जाना है जाना है नहीं जाना नहीं जाना कोई बात नहीं लेकिन प्राइमरी एजुकेशन जो है एटलीस्ट वो सबको मिल जाए उसके बाद में आपका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी वाला ये जो स्कूलिंग का पीरियड होता है इलेवन टू सेवनटीन ईयर्स जो हम बेसिकली कहते हैं सिक्स टू ट्वेल्थ वाला तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि आप चाहें तो एक जो है एजुकेशनल स्ट्रीम खोल दीजिए और दूसरा नहीं करनी उनको आगे रोजगार तो कर और जो आगे फ्री एजुकेशन वाला रूट चुन, चुन रहे हैं इनमें से आगे जाके क्या होता है आपके यूनिवर्सिटी का थ्री इयर्स का कोर्स जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो और इन्होंने ये जो स्कीम बनाई थी ये ओवर इयर्स, यानी 1944 से 1984 तक हमें ये अचीवमेंट करना है ये टारगेट रखा था सो so, प्लान में एक बहुत लंबी प्लानिंग की गई है कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम जो है उसको रिहॉल करने की कोशिश की गई है ठीक है सो आपको देखना है कि सार्जेंट प्लान किस बैकग्राउंड में आता है तो हमने यहाँ पे देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते क्या हो गया एजुकेशन वॉज नेग्लेक्टेड पॉपुलर मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर चुकी थी और गवर्नमेंट जो है वो वॉर एफर्ट्स में लगी हुई थी तो फिर आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी एजुकेशन जो है ये एक रिपोर्ट सबमिट करता है इस रिपोर्ट के बेसिस पे आपकी जो सार्जेंट प्लान है इसको प्रिपेयर किया जाता है और इस प्लान में क्या होता है कि ओवर फोर्टी इयर्स हमें इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है इसको कैसे डेवलप करना है इसकी बात की जाती है तो किस तरीके से नर्सरी लेवल पे प्राइमरी लेवल पे सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे किस तरीके से आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है उसकी बात की गई है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सो The objective of the Butler Committee of 1927 was. फटाफट से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का वी विल डिस्कस एंड मूव फॉरवर्ड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ठीक है कोशिश करते हैं 8:15 तक इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि हमने बहुत पढ़ाई कर ली है अब ओके okay, सो so यहाँ पे बहुत सारे लोग आंसर जो हैं डी कर रहे हैं यार बटलर कमेटी ऑफ 1927 जो है यस डी इज द करेक्ट आंसर इसका पर्पस क्या था इसका पर्पस था इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स सो भारत में जो भारतीय सरकार है है ना ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है एंड जो भारतीय राज्य या जो रियासत हैं उनके जो रूलर्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना हम थोड़ा सा यहाँ पे बटलर कमेटी के रिकमेंडेशंस को भी देखेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें एक होलिस्टिक मैनर में प्रिपेयर करना होता है कुछ भी कैसे भी करके जो नॉलेज होती है हमारे पास में उसको हम यूज करते हैं एम को सॉल्व करने के लिए है ना तो चलो बटलर कमेटी जो है ये तो हमें समझ में आ गया ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट जो है उनके बीच में रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए बिठाई गई थी नाइनटीन के अंदर इस टाइम पे वाइस कौन है 1927 में आपके वाइस रॉय कौन है इरविन लॉर्ड एरविन ठीक है इतना ब्रेक लोगे तो कैसे चलेगा यहां देख लीजिए एक बार फटाफट से सो so, बटलर कमेटी हमने कहा 1927 में इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इसका पर्पज जो है हमने देख लिया इसको इंडियन स्टेट्स कमिटी भी कहते हैं सो so, हो सकता है वो कभी आपको एग्जाम में है ना आ, बिल्कुल है ना आपके हारकोड जो बटलर हैं वो इसके चेयरपर्सन थे बिल्कुल सो so आप ये यहाँ हारकोट हार बटलर जो है वो इसके चेयरपर्सन थे इसलिए इसको बटलर कमेटी कहते हैं इसको इंडियन स्टेट्स कमेटी के नाम से भी आपको एग्जाम में लिखा जा सकता है सो so आपको ध्यान रखना है अगर इंडियन स्टेट्स कमेटी ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी सेवन इरविन है है ना इरविन के टाइम पे ये बिल्कुल सो so, और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है नाइनटीन ट्वेंटी नाइन के अंदर इस कमेटी के जो रिकमेंडेशन हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हम आगे जाए एक रिकमेंडेशन हमेशा याद रखना इंडियन प्रिंसली स्टेट जो है उनका कहना था कि कभी भी इंडियन प्रिंसली स्टेट का जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हो उनके हाथ में ना दिया जाए एक ऐसी इंडियन गवर्नमेंट है ना जो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि एक इंडियन गवर्नमेंट यानी जिसमें मेजोरिटी ऑफ इंडियंस आर देयर और जो के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके हाथ में हमारी परमिशन के बिना हमारे विल के बिना हमारे विशेष के बिना कभी भी हमारा कंट्रोल न सौंपा जाए और बटलर कमेटी भी गवर्नमेंट को यही कहती है कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स नहीं चाहते कि उनके विल या उनके विशेष के अगेंस्ट कभी भी एक ऐसी इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में उनका कंट्रोल सौंपा जाए जो कि इंडियन लेजिस्लेचर के प्रति हो हो यह आपको हमेशा याद रखना है द द कमेटी विद फियर ऑफ द नेटिव प्रिंस माइट पास विदाउट देयर कंसेंट अंडर अ न्यू गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया रिस्पॉन्सिबल टू एन इंडियन लेजिस्लेचर and they plainly express the opinion that no such transference should be made without the consent of the princess. butler committee says that the state should not be transferred without their own agreement which the britishers may last the है ना आप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 देख लीजिए उसमें भी बहुत क्लियरली उन्होंने क्या कहा कि हम इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पे हमारी जो पैरामाउंटी है उसको गिव अप करते हैं बट एट द सेम टाइम हम ये किसी भी सक्सेसर डोमिनियन को पास ऑन नहीं करते ना इंडिया को ना पाकिस्तान को प्रिंसली स्टेट को चूज करना वो किसके साथ जाना चाहते हैं इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और ट्राइबल एरियाज के साथ में भी जो हमारी एग्रीमेंट्स uh, थे वो भी लैप्स हो जाएंगे बट उसपे भी हम आगे कुछ नहीं कहेंगे कि ट्राइबल uh, जो एरियाज हैं या उनके लीडर्स को क्या करना है क्लियर है ये सो यू कैन सी हेयर है ना ब्रिटिश पेराउंट से सुप्रीम रहेगी बिल्कुल सो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स की रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ब्रिटिश क्राउन जो है उसकी पैरामाउंट सी रहेगी ये आपने देखा 1858 का जो एक्ट आता है वो भी यही बात कहता है क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन आता है नवंबर 1858 में वो भी ये बात कहता था कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो पैरामाउंट है इन रिस्पेक्ट टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट बट एट द सेम टाइम प्रिंसली स्टेट जो है वो अपने इंटरनल मैटर्स में इंडिपेंडेंटली अपनी गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं द वे दे वॉन्ट दे कैन रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन बट उनको हमारी पैरामॉउनसी si, हमारी सुप्रीमेसी को रिकॉग्नाइज करना होगा और यहाँ पे भी आपकी बटलर कमेटी भी यही कह रही है कि ब्रिटिश क्राउन जो है उसके पैरामॉउनसी शुड बी देयर एट द सेम टाइम प्रिंसली स्टेट्स जो है देयर कंट्रोल शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल टू द इंडियन लेजिस्लेचर विदाउट देयर कंसेंट उनकी परमिशन के बिना अह uh, ये हो गया एंड येस दी से वाइस रॉय शुड रेप्रेजेंट द्राउन इन ऑल द डीलिंग्स विदेट सो हमने पहले भी कहा था वाइस जो है इसीलिए वाइस जो है वो इंडियन प्रिंसली स्टेट से डील करेगा ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे तो वही बात ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश क्राउन की पेराउंट है है ना ब्र, ब्र, ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे वाइस जो है वो डील करेंगे इंडियन प्रिंसली स्टेट से और क्या कहा गया है पैरामाउंट से रहेगी एंड प्रिंसली स्टेट्स का जो फियर है उसको भी दूर करने की कोशिश की गई है यार हम लोग आगे जाए उससे पहले एक बार आप सुपर कोचिंग के बारे में देख लीजिए अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के लिए एनरोल करते हैं तो आपको यहाँ पे कंप्लीट जीएसटेट ऑप्शनल आपका टेस्ट सीरीज स्टडी नोट्स एंड डेली लाइव क्लासेस सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा एक सिंगल पैकेज में आपको यहाँ पे डेली के जो बेस्ट टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स एंड हम सबकी लाइव क्लासेस ये केवल ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन में मिल सकता है अगर और ये क्या है आपके पूरे साल की फीस है ठीक है अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं सोन प्रिया एस ओ एन पी आर आई वाई ए एंड डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल क्यों बोल रही हूँ क्योंकि जैसे कभी भी कोई सेल होती है है ना तो टेलीग्राम पे स्पेशल ऑफर्स आपको मिल जाते हैं जैसे कि अभी अपना जब चैंपियन सिलेक्शन सेल चल रहा था है है ना तो सेल के अंदर आपने देखा होगा कि आपका प्राइस जो इलेवन थाउजेंड तक ड्रॉप हो गया था पूरे साल का राइट सो so, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से बेनिफिट ये स्पेशल ऑफर्स जो आते हैं वो टेलीग्राम पे पोस्ट हो जाते हैं बाकी इसके अलावा यार पास पे सेल चल रही है है ना So, बुक पास पे चैंपियन सेल चल रही है जहां पे आपको 18 मंथ्स का जो पास है बुक का वो केवल टू फिफ्टी वन में मिल सकता है अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं सोनप्रिया पास ए पी ए डबल एस सोनप्रिया पास सो इफ यू यूज दिस कूपन कोड आपको पास टू फिफ्टी वन रुपीज में मिल जाएगा पूरे एटीन मंथ्स के लिए और इसके वाया आप मल्टीपल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो हैं उनकी टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं इंक्लूडिंग प्रीवियस के पेपर so, अच्छा प्रैक्टिस का सोर्स है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वाइस जो है वो बीच की कड़ी का काम करेंगे यानी वाइस जो है वो इंडियन स्टेट जो प्रिंसली स्टेट है उनके बीच में और ब्रिटिश क्राउन के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए

जलियान वाला बाग मैसेकर जो हुआ है ना उसके अंदर एक आपकी हंटर कमेटी थी ओके सो so, जलियान वाला बाग मैसेकर जो है उस पर एक आपकी हंटर कमेटी बैठी थी और इस हंटर कमेटी में मेम्बर कौन थे बताइए बताइए चलिए आपकी जो हंटर uh, कमेटी बैठी जलियानवाला बाग मैसेकर में उसमें कौन थे और इंडियन मेंबर कांग्रेस ने अपनी तरफ से यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ऑन जलियानवाला बाग मैसेकर वॉज इंटरेस्टेड टू महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर जी महात्मा गांधी इज दी करेक्ट आंसर लेकिन अभी मुझे ये बताइए कि आपकी जो हंटर कमेटी है उसमें और कौन इंडियन मेंबर्स थे तो देखो क्या होता है वाला बाग मैसेकर होता है वाला बाग मैसेकर या हत्याकांड को लेकर के पब्लिक जो है उसमें काफी अनरेस्ट है काफी आक्रोश है काफी गुस्सा है राइट और अब इससे आपको डील करना है तो यहाँ पे एक हंटर कमेटी बिठाई जाती है और हंटर कमेटी जो है वो बिल्कुल जनरल डायर जो है उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराती है कि जनरल डायर जो है उन्होंने सही नहीं किया लेकिन इसके बावजूद कुछ भी पनिशमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है कोई भी पनिशमेंट जो है वो जनरल डायर के खिलाफ प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है इस कमिटी के द्वारा इसीलिए इंडियंस वर वेरी एंग्री सो कांग्रेस जो है कांग्रेस जो है उसने एक अपनी खुद की है ना कमेटी बिठाई इसके अंदर और जलियानवाला बाग मैसेकर जो है इसमें इंक्वायर करने के लिए और आप यहां पे देखेंगे महात्मा गांधी जो है उनको यह काम सौंपा गया था ठीक है ठीक है महात्मा गांधी को यह काम सौंपा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए एंड गाइस अगर आपको लेक्चर पसंद आता है डू शेयर इट सी देर इज सो पुअर रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड है ना डज नॉट गिव मी एनी इंसेंटिव टू कंटिन्यू दिस क्लासेस सो एक घंटे की क्लास के पीछे बहुत मेहनत होती है राइट right? सो so, अगर इफ दिस इज द रिस्पॉन्स इट्स नॉट कंपल्सरी हम लोग इस क्लासेस को कंटिन्यू करें लेट मी बी वेरी फ्रेंक विद यू है ना क्या फायदा है चलिए यहाँ पे आपको कुछ कमीशन का आ, कुछ मतलब कमिशंस का नाम है और यहाँ पे आपको कुछ आ, उनके चेयरपर्सन का नाम है और आपको बताना है यहाँ पे कि इसका करेक्ट मैच क्या है लिस्ट वन का लिस्ट टू के साथ में करेक्ट मैचिंग क्या है आपको बताना है चलिए सो so, मुझे यहां पे कुछ लोगों का बी आंसर मिल रहा है एनी वन एल्स एनी वन एल्स कुछ लोग ए आंसर कर रहे हैं चलिए यहां देख लेते हैं है ना इतना तो इसमें टाइम लगना ही नहीं चाहिए सो so, आपको सबको पता होगा आप अगर पुलिस रिफॉर्म्स पढ़ते हैं तो एंड्रयू फ्रेजर कमीशन जो है ये पुलिस कमीशन है और आपको बता दें ये सारे कमीशंस जो हैं ये बेसिकली लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बिठाए गए इसीलिए लॉर्ड कर्जन जो है उन्हें बोला जाता है कि वाइस रॉय विद कमीशंस एंड कमिटीज सो एंड्रयू फ्रेजर कमीशन जो है ये पुलिस कमीशन है आपका एंटनी मैकडोनल कमीशन जो है ये फेमीन कमीशन है कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रिफ कमीशन जो है ये इरिगेशन के लिए थोमस रॉबर्टसन जो है ये आपका रेलवे कमीशन है अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना आपको पता है लॉर्ड कर्जन जो है उनके टाइम पे भी बहुत ख़राब सिचुएशन थी फैमिन की सिचुएशन थी आपके बंगाल वाले एरिया में स्पेशली आप देखोगे कि काफ़ी ख़राब हालत है और बाकी एरियाज के अंदर भी पंजाब वगैरह में भी अगर आप देखो तो भुखमरी या फैमिन की काफ़ी सिचुएशन है तो वो एक फैमिन कमीशन जो है इसको एस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पे इसकी रिकमेंडेशन में एक होता है कि अच्छा जो है आपको कुछ प्रोडक्शन को लेकर के भी कुछ काम करना चाहिए कि आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएं ये सब भी इधर इरिगेशन कमीशन भी कहता है कि आपको इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो और आपको देखने को मिलेगा कि वाकई में इसकी रिकमेंडेशन इरिगेशन के मामले में कुछ अच्छा काम हुआ पंजाब वगैरह के अंदर थॉमस रॉबर्टसन आपका रेलवे कमीशन है फ्रेजर जो है वो आपका पुलिस कमीशन है थोड़ा सा एक बार इनको ब्रीफ में देख लेते हैं यहां देखिए सो so, आपका जो पुलिस कमीशन है ये एंड्रयू फ्रेजर जो है इनकी चेयरमैनशिप में एस्टेब्लिश किया गया और टाइम क्या है 1902 1903 जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारे कमीशन लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही एस्टेब्लिश किए गए थे बिठाए गए थे इसने क्या कहा अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस एट द ऑफिसर लेवल इन द पुलिस सो so, केवल आपको आ, ये पता होना कि यार फ्रेजर कमीशन पुलिस कमीशन इज नॉट सफिशियंट तो हमें पता होना चाहिए कि ठीक है फ्रेजर कमीशन कब बिठाया गया है कौन उस टाइम पे बाइस रॉय है? है ना और किस पर्पस के लिए बिठाया गया है बट साथ ही में इसकी रिकमेंडेशंस भी पता होना चाहिए तो रिकमेंडेशंस में वो क्या कह रहा है कि इंडियंस जो है उनको भी ऑफिसर लेवल पे आप अपॉइंट कर सकते हैं और क्या है इंडियंस कुड राइज ओनली टू द रैंक्स ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है ना इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हावे देवर नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन इंपीरियल पुलिस सो जैसे कि आपका इंडियन पुलिस सर्विस है उस वगैरह का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा इसको ठीक है उसका हिस्सा नहीं बनाया जाएगा मैक्सिमम इंस्पेक्टर लेवल तक तो क्या कह रहा है कि इंडियंस को ऑफिसर लेवल पे अपॉइंट करो बट केवल इंस्पेक्टर लेवल तक जो इंडियन इंपीरियल सर्विसेज हैं वहां पे नहीं वहां पे नहीं फेमीन कमीशन के बारे में अगर हम देखें तो ये आपका सर एंथनी मैकडोनेल जैसे कि हमने कहा फैमिन कमीशन के चेयरपर्सन थे और 1899-1900 का जो फैमिन या जो भुखमरी की सिचुएशन थी जो अकाल पड़ा उसके बाद में मैकडोनेल कमीशन जो इसको एस्टेब्लिश किया गया था प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीफ सजेस्टिंग वेरिएशन वेर एवर अगेन इसने कुछ रिलीफ मेजर्स की बात करी है है ना कुछ राहत के काम की बात करी है तो हम क्या देख रहे हैं आपका स्ट्रैशी कमीशन जो है वो लॉर्ड लिटन के टाइम पे बिठाया गया है और वो फेमिन कोड की बात करते हैं इसके बाद में अगेन कर्जन के टाइम पे भी एक बहुत बड़ा फैमीन हुआ है एटीन नाइनटी नाइन जिसको हम छप्पनिया अकाल कहते हैं जिसको हम छप्पनिया अकाल कहते हैं हिंदी के अंदर ये बहुत ज्यादा खराब हालत हो गई थी इसके अंदर स्पेशली आपके राजपुताना वाला एरियाज के अंदर और इसी के चलते जब कमीशन बिठाया गया मैकडोनल्ड कमीशन तो उसने अगेन रिलीफ मेजर्स की बात करी है अगेन वही ना कि आप एडवांसेस दे सकते हो लोगों को सीड्स परचेस करने के लिए कैटल्स के लिए है ना टेम्पररी वेल्स वगैरह जो है कुएं वगैरह खोदने के लिए और क्या है यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ अ फेमिन कमिश्नर इन अ प्रोविंस एक्सपेक्टेड टू बी एक्सटेंसिव इसने कहा कि अगर आपको लगता है कि कहीं पे फेमी रिलेटेड जो रिलीफ मेजर्स आप ले रहे हो वहां पे बहुत ज्यादा काम इन्वॉल्व है तो आप क्या कर सकते हैं आप जो है वहां पे फेमीन कमिश्नर्स जो है इनको अपॉइंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोविंस के अंदर आपका इरीगेशन कमीशन स्कॉट मॉन्ट्रिफ कमीशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं क्योंकि चेयरमैनशिप थी कॉलिन जस्ट अटॉट मॉनक्रिव जो है वो इसके चेयरपर्सन थे यहाँ पे देख सकते हो फेमिन के बाद में ही है ना इरीगेशन कमीशन को बिठाया गया है और इसने क्या कहा इसने कहा कि आपको इरीगेशन वर्क पे फोकस करने की जरूरत है और इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है आपको ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट कर लेने हैं जैसे कि अगर हम पुलिस कमीशन में देख रहे हैं तो वहां पे जो चीज हमें नोट करनी है जो बात हमें नोट करनी है वो क्या है कि इंडियंस को भी आपको हायर लेवल जो ऑफिसर लेवल के रैंक से वहां पे आप अपॉइंट कीजिए बट केवल इंस्पेक्टर लेवल तक राइट हम यहां पे जो आपका आ, ये फेमिन कमीशन देख रहे थे मैकडोनल कमीशन इसने कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं दी है इसमें हमें बस इतना याद रखना है कि जो छप्पनिया अकाल हुआ 1899 1900 वाला उसके बाद में इसको एस्टेब्लिश किया गया था इसकी एक बात बस ये है फेमिन कमिश्नर वाली कि अगर जरूरत पड़े तो आप ये कर सकते हो किसी पर्टिकुलर प्रोविंस के अंदर नॉट इन ऑल प्रोविंसेस जहाँ पे एक्सटेंसिव मेजर्स नीडेड हैं जहाँ पे एक्सटेंसिव मेजर्स हैव टू बी टेकन इरिगेशन कमीशन स्कॉट मॉनक्रिफ कमीशन ने इरिगेशन कैनाल्स uh, की बात करी और इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको कहाँ पे देखने को मिलता है आप यहाँ पे देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी वाज़ अ नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन पंजाब कंप्राइजिंग द मेन कैनाल ऑफ टू थाउजेंड एंड अदर लिंक कैनाल्स तो यस

है ना रेलवेज का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्किंग है उसके अंदर आपको जांच पड़ताल करनी है और अपनी रिकमेंडेशन हमको देनी है इसने क्या बोला एक रेलवे बोर्ड जो है इसको आप अपॉइंट कीजिए जिसमें एक चेयरमैन होगा दो मेंबर्स होंगे और एक सेक्रेटरी होगा और इसकी रिकमेंडेशन का भी रिजल्ट हमको देखने को मिलता है एक रेलवे बोर्ड जो है ये सेटअप किया जाता है 1905 के अंदर और ये गवर्नमेंट से सबॉर्डिनेट था सी आर फैक्चुअल थिंग्स है ना आपको अगर एग्जाम लिखना है तो आपको ये सब कुछ याद करना होगा रेलवे बोर्ड का रिकमेंडेशन क्या था क्या उस पर कुछ काम हुआ हाँ हुआ सो so, कमीशन का नाम वो किस पर्पस के लिए बिठाया गया उस टाइम पे वाइस रॉय क्या है इस कमीशन की कोई इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है क्या उस पर क्या काम किया गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल प्लानिंग कमिटी ऑफ नाइनटीन थर्टी एट नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। रीड द क्वेश्चन एंड आंसर इजी है So, यार this is quite easy, है ना आप यहां देख सकते हैं It was set up under chairmanship of 1938 हरिपुरा सेशन जो गुजरात में हो रहा था जहां पे फर्स्ट टाइम सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस के सेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं यूनैनिमसली इलेक्टेड थे सर्वसहमति से बनाए गए थे यहां नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है इसको फॉर्म किया गया और इसके जो चेयरपर्सन है वो जवाहरलाल नेहरू थे है ना? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों सोशलिज्म समाजवाद की जो विचारधारा है उसमें विश्वास करते थे और जो इंसान सोशलिज्म में बिलीव करता है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दीजिए उद्योगिकरण जो है उसका कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन कर दो नो हाइब्रिड मोड की बात की गई कि यहां पे कुछ जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा और कुछ जो है वो गवर्नमेंट अपने लेवल पे करेगी सो so ये अगर हम आजाद हो जाते हैं तो हमारी प्लानिंग कैसी होगी किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी होगी उसके लिए कमेटी बिठाई गई थी है ना सोवियत रशिया जो है उसमें प्लानिंग आ, का ट्रेंड हमने देखा था और ये काफी आप देखोगे कि काफी इफेक्टिव प्रूव हुआ था जब सॉरी जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में है ना ग्रेट डिप्रेशन आया 1928-29 वाला उस महा आर्थिक मंदी कहते हैं उसको राइट ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1928-29 तो हर कंट्री की हालत बहुत खराब थी स्पेशली कैपिटलिस्ट कंट्रीज की लेकिन सोवियत रशिया जो है उसने बहुत इफेक्टिवली खुद को इस ग्रेट डिप्रेशन के इंपैक्ट से बचा लिया था और इससे क्या हुआ कि जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है है ना समाजवाद की जो विचारधारा है वो और ज्यादा पॉपुलर हो गई और साथ ही साथ में प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है इकोनमी में वो भी काफी पॉपुलर हो गया सो so, पे आप देख सकते हैं कि इट डिड नॉट एडवोकेट फॉर प्राइवेट सेक्टर मोड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इसने हाइब्रिड मोड को सजेस्ट किया था पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर जो कि हम में अपने प्लानिंग में देखते भी हैं सेकेंड आपका गलत है योर करेक्ट आंसर इज थ्री ओनली सो इसने क्या कहा इसने कहा कि हम जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि आपके आ, कोटेज इंडस्ट्रीज है लघु कुटीर उद्योग जो होते हैं आपके उसको भी हम प्रमोट करेंगे और साथ साथ में हम जो मॉडर्न सेक्टर्स हैं जैसे कि आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, है ना इसको भी प्रमोट करेंगे सो थ्री ओनली इज करेक्ट ठीक है सो देवर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कम्युनिज्म सोशलिज्म आइडियोलॉजी में जो विश्वास करते हैं दे आर अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी यही कहते हैं है ना? चलिए ये क्वेश्चन कीजिए नहीं नेहरू नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो अपना रेजिग्नेशन दें ठीक है नेहरू नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र बोस जो है वो अपना दे, बट ऐसी हो गई थी कि सुभाष चंद्र बोस को देना पड़ा जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 15 मेंबर्स में से 13 मेंबर्स ने रेजिग्नेशन दे दिया और जो गोविंद बल्लभ पंत हैं आपके ये डॉ राजेंद्र प्रसाद वगैरह सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मेजर लीडर्स हैं कांग्रेस के वो बोस के अगेंस्ट हो गए थे सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट हो गए थे चलिए विच वन इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स सो यहाँ पे आपको अगेन एजुकेशन रिलेटेड कुछ कमिटीज दी गई हैं और आपको बताना इनका करेंट करेक्ट सिक्वेंस जो है वो क्या है सो so, पहले हंटर एजुकेशन कमेटी आई या हार्ड डॉग आया वुड्स डेस्पेच आया या सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो आया आपको एक ऑप्शन शायद यहां नहीं दिख रहा है फोर्थ सेकेंड थर्ड एंड वन चलिए हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन अभी क्वेश्चन किया था 1884 है 1854 नहीं 1884 ठीक है सो आप यहां देख सकते हैं वुड्स डेस्पैच जो है वो आपका 1854 में आता है हमने पढ़ा है चार्ल्स वुड जो उस टाइम पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड थे है ना चार्ल्स डेस्पैच में आपके जो आ, ये है क्या नाम है इनका चार्ल्स वुड जो है ये भेजते हैं और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड थे सो so, चार्ल्स में वो बात करते हैं कि आपका जो डाउन फिल्ट्रेशन है इसको वुड्स वो रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मासिस का जो एजुकेशन है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी तो वुड्स डेस्पेज जो है, ये 1854 में आता है आपका हंटर कमीशन की हम बात करें तो हमने देखा कि ये आपका 1884 में आता है जब लॉर्ड रिपिन जो है वो वाइस रॉय है बेसिकली ये वुड्स जो है इसके ऊपर क्या इफेक्टिवली काम हो रहा है नहीं हो रहा है क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड इसमें इंक्वायर करने के लिए बिठाया गया था और मोस्टली इसके जो सजेशन है वो प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के हैं वुड्स डेस्पैच को हम मैग्ना कार्टा

लंडन यूनिवर्सिटी की लाइन पे और वो काम हुआ लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हम देखते हैं सो कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है जो जो की गई थी वुड्स के रिकमेंडेशन पे उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी कीजिए और उन उनप हमें रिपोर्ट करो इसके लिए आपका सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था इस कमीशन ने क्या कहा इसने कहा देअर शुड बी अ बोर्ड विद फुल पावर्स टू कंट्रोल सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन कि जो आपका सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन है और जो इंटरमीडिएट लेवल का एजुकेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए आप एक बोर्ड सेटअप कीजिए द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉलेजेस विद टू ईयर कोर्स द प्रोविजन ऑफ अ थ्री ईयर डिग्री कोर्स आफ्टर द इंटरमीडिएट स्टेज तो क्या देख रहे हो आप यहाँ पे इसको बोला तो केवल यूनिवर्सिटी वाला काम करने के लिए था लेकिन ये आपको स्कूल एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिए सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं

टू ईयर डिग्री कोर्सेज जो है उनको भी सेटअप कर सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे यानी कि आपका जो इलेवन ट्वेल्थ वाला फेज है उसमें आप क्या करेंगे उसको इंटरमीडिएट कॉलेज बोल रहे हैं ये लोग अभी भी कुछ लोगों को आपसे पटना साइंस कॉलेज से मैं पढ़ा हुआ हूँ इलेवन ट्वेल्थ के बच्चे ऐसा बोलते होते हैं है ना सो इंटरमीडिएट कॉलेज टू ईयर्स जो हमारा इलेवेंथ ट्वेल्थ है बेसिकली और फिर क्या कह रहे हैं कि एक थ्री ईयर डिग्री कोर्स आफ्टर द इंटरमीडिएट स्टेज जैसा कि आप देखते हो मोस्टली आपका आर्ट्स है कॉमर्स है इनमें जो लोग ग्रेजुएट्स होते हैं है ना जो बैचलर्स होते हैं जो बैचलर्स इन पर्टिकुलर डिग्री या जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनका तीन ईयर का कोर्स होता है और क्या कहते हैं द इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचिंग एंड यूनिटरी यूनिवर्सिटीज कि आप टीचिंग जो है उसके लिए भी एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कीजिए जो टीचर्स वगैरह की ट्रेनिंग का काम करेगा आप हार्ड डॉग कमेटी की बात करें तो इसको 1929 में सेटअप किया गया है और इसका परपस क्या है वही डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन काम क्या रहा आपका अगेन री एम्फेसाइजिंग जाइए स्पेक्ट्रम का एजुकेशन वाला पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से पूरा टॉप टू बॉटम एजुकेशन वाला पढ़ लीजिए हमेशा क्वेश्चंस आते हैं देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन मे बी आस्ड इन दिस प्रॉब्लम्स आल्सो सो यार अगर आप देखोगे तो बहुत ही क्लियर हो गया है है ना हंटर कमीशन 1884 है वुड्स डेस्पेट जो है वो 1854 है आपकी सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन नाइनटीन सेवनटीन नाइनटीन नाइनटीन है और हार्ड डॉक कमिटीन ट्वेंटी राइट सो एज यू कैन सी थर्ड शुड बी एट द फर्स्ट ये तो आपको सबको वैसे वैसे भी पता होता थर्ड में इंक्वायर करने के लिए हंटर कमीशन को बिठाया गया था थर्ड के बाद वन आना है आंसर करना इज ईजी बट अंदर का अगर पढ़ लोगे तो ईजी हो जाएगा आगे के साल जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज रिगार्डिंग द आचीशन कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेस फॉलोइ स्टेटमेंट तो क्या यह लॉर्ड पेटअप किया गया था दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ द सिविल सर्विस इंटू कॉविनेटेड एंड अनकोविनेटेड क्या लगता है आपको इसमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग द अचीशन कमिटी आशीष 1854 इज वुड्स डेस्पैच विच इज़ नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है 1854 में आपका वुड्स डेस्पैच है चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज अचीशन कमिटी यार बहुत सारे क्वेश्चन है कब कंप्लीट होंगे आई डोंट नो करेक्ट आंसर इज वन एंड टू द करेक्ट आंसर इज वन एंड टू सो आपका जो अचीशन कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज है ये 1886 में एस्टेब्लिश किया जाता है आपको याद होगा 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है और उस टाइम पे लॉर्ड डफरीन जो है वो वाइस रॉय थे so, लॉर्ड रिपिन गए हैं ध्यान से सुनो अगर याद भी नहीं रहता कि कौन कमीशन उस टाइम पे वाइस रॉय तो थोड़ा सा आप लिंक करके पढ़ सकते हो है ना लॉर्ड रिपिन जो है वो इमीडिएटली गए थे बिल कंट्रोवर्सी पे पे डफरीन डफरीन आए थे तो इस टाइम बिल्कुल आपके उन्होंने सिविल सर्विसेज में जो इंटर मैक्सिमम एज है सॉरी सिविल सर्विसेज में अपेयर होने के लिए मैक्सिमम एज है उसको कितना घटा के कर दिया था 19 ईयर्स कर दिया था 19 ईयर्स कर दिया था और इसने एक और काम किया था लॉर्ड लिटन ने क्या किया इसने कहा एक स्टेट्यूटरी सिविल सर्विसेज होगी स्टेट्यूटरी सिविल सर्विसेज होगी जिसको हम अनकोवेनेटेड सर्विसेज कह सकते हैं सो स्टेट्यूटरी सिविल सर्विसेज के अंदर क्या किया जाएगा कि आपकी जो सिविल सर्विसेज के लिए कुछ सीट्स हैं उनमें से कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया जाएगा और यहाँ पे जो इंडियन वेल्दी फैमिलीज है, है अपेयर होने की जो एज है उसको घटा के नाइनटीन ईयर्स कर दिया था आपको पता है ऑल इंडिया सिविल सर्विस एजुकेशन जो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस जो है वो लीड करते हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता लेकिन इन्होंने एक और काम किया था इन्होंने की की शुरुआत की थी। कहा कि आपकी जो इंडियन सिविल देंगे और वहां पे Indian wealthy family के members को नॉमिनेट कर दिया जाएगा ये बेसिकली जो हाई क्लास है इंडिया की उसको pacify करने के लिए था कि आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है आप लोग टेंशन मत लो लेकिन लॉर्ड के टाइम पे आपकी जो अचीव कमेटी बैठी है ये अचीशन ये कहती है कि नहीं यार आ, एक आप जो वापस से सिविल सर्विसेज की एज है उसको ट्वेंटी थ्री ईयर्स कर दीजिए मैक्सिमम एज ऑफ अपेयरेंस को और दूसरा क्या कहते हैं कि ये जो कोविनेटेड और अनकोविनेटेड है इसको खत्म कर दो इसको खत्म कर दो ठीक है so, सो अनुबंधित और असंबंध में जो ये वर्गित है, है ना इसको खत्म कर दीजिए इसकी जरूरत नहीं है एक बार यहां देख लेते हैं थोड़ा सा देख लीजिए प्लीज अचीव कमिटी जो है इसको इसको 1886 में सेट अप किया गया है हमने देखा लॉर्ड जो कांग्रेस so है, है का फॉर्मेशन हो चुका था और कांग्रेस के फॉर्मेशन में भी वन ऑफ द फैक्टर्स ये था एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है वो लॉर्ड लिटन की रिएक्शनरी पॉलिसी से काफी नाराज थी लॉर्ड की पॉलिसी से काफी नाराज थी और इसीलिए आप यहां पे क्या देख रहे हैं आप यहां पे देख रहे हैं, कि जो हैं उनकी जो कंप्लेन हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई है कि क्या किया जा सकता है इंडियंस की ये जो एम्बिशन है इनको फुलफिल करने के लिए बताइए आप ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है 1887 में और क्या कहती है कि ये जो आपने कोवेनेटेड एंड अनकोवेनेटेड सर्विसेज कर रखा है इसको खत्म कीजिए और आप क्या कीजिए सबॉर्डिनेट सिविल सर्विसेज इंपीरियल सिविल सर्विसेज और इसके नीचे प्रोविंशियल जैसे हमारे यहाँ पे है ना अभी सेंटर के आपका ऑल इंडिया सर्विसेज है ना आई फिर आपके स्टेट के पीसीएस के ऑफिसर्स होते हैं और फिर सब आपका सिलेक्शन बोर्ड वगैरह के जो ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं है ना? तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं इंपीरियल प्रोविंस एंड सबॉर्डिनेट सिविल सर्विस है ना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह आपका जो वगैरह होता है so ये क्या कह रहे हैं कि तीन services में कर दो इनको। एक imperial level पे, एक एक पे, पे और एक उनके ये इसकी सजेशन थी थ्री टीयर क्लासिफिकेशन मैक्सिमम एज को ट्वेंटी थ्री ईयरस कर दीजिए वापस से ये जो स्टेट्यूट्री सिविल सर्विसेस लिटन ने शुरू की थी इसको खत्म कर दीजिए इंग्लैंड और इंडिया के अंदर साइमल्टेनियसली कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो इसको करवाई है इसको कंडक्ट करवाइए बट ये बात उसकी मानी नहीं गई ठीक है इंपीरियल सिविल सर्विसेज शुड बी फिल्ड बाय प्रमोशन ऑफ द में सिविल आप सर्विस आपको अभी भी बता होगा लोग कहते हैं प्रमोटेड आईपीएस हूँ प्रमोटेड आई हूँ है ना तो जो स्टेट सिविल सर्विसेज के मेंबर्स uh, होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है ऑल इंडिया लेवल पे तो ये भी क्या कह रहे हैं कि आपके जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज की जो वैकेंसी निकलती है उसमें से कुछ वैकेंसीज को आप साइड पे रखिए और वो आप प्रोविंशियल सिविल सर्विस के जो मेंबर्स हैं उनको आप प्रमोशन के वाया इन सीट्स को फिल करिए सो so, आप यहाँ देख सकते हो अचेशन कमेटी के जो रिकमेंडेशन है वो कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर में देखते हैं है ना केवल मैक्सिमम एज वाला तो भाई बहुत ही वो है अबो रिकमेंडेशन फॉर इंप्लीमेंटेड एंड कॉन्सिक्वेंटली है कॉन्सिक्वेंटली द स्टेटरी सिविल सर्विसेज वॉज एबॉलिस्ड इन एटीन नाइनटी टू सो एटीन नाइन्टी टू में फाइनली आपकी स्टेट्यूटरी सिविल सर्विसेस जो लिटन ने शुरू की थी वो खत्म कर दी गई चलिए गाइज डू दिस क्वेश्चन प्लीज देखने अभी आए हैं अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट क्लास सेवन सेवन पी एम शुरू होती है ठीक है सेवन टू एट फिफ्टीन लोथियन कमेटी जो है वो किस परपज के लिए थी क्यों अपॉइंट की गई थी यस, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं, है ना लोथियन कमिटी जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है उस पर्पज से जुड़ी हुई है यहाँ एक बार आप चाहें देख सकते हैं आप जानते हैं कम्युनल अवार्ड जो है है ना सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में कम्युनल अवार्ड जो है ये अनाउंस किया गया था राम से जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा अगस्त 1932 में

सो so, आप दलित के कोई अलग से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सो so, फिर भी अपनी बात पे डट गया और उन्होंने कहा कि नहीं सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए तो आप यहां देख रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा ग्राउंड पे है ना उसके लिए एक कमेटी बिठाई गई थी ये लोथियन कमेटी है आपकी जिसको इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी भी कहते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निधि यहाँ पे पोल कैसे आएगा ना YouTube पे आई एम नॉट गिविंग यू पोल तो पोल कैसे आएगा गाइज डू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज विच कमिटी रिकमेंडेड टू अडॉप्ट इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बताइए यस द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड मेकॉले कमेटी ठीक है लॉर्ड मेकॉले कमेटी जो है यहां पे आप देख सकते हैं इट एम्फेसाइज द प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस थ्रू इंग्लिश मीडियम टू द पीपल ऑफ इंडिया तो एक तरीके से ये आपकी इंग्लिश जो यूरोपियन लिटरेचर है टू बी करेक्ट है ना यूरोपियन लिटरेचर और जो साइंस है जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको प्रमोट करने की बात कर रही थी मैंने कहा था आपको मैकोले मिनट ऑफ 1835 है ना इंग्लिश में साथ ही में आप क्या देखोगे कि इसने यह भी रिकमेंड किया जस्ट मिनट हां इन्होंने क्या क्या इंग्लिश एज द ऑफिशियल एंड द लिटररी लैंग्वेज ऑफ इंडिया सो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप यहाँ देख रहे हैं कि विलियम बेंटिक हमें पता है सबको है ना विलियम बेंटिक जो है ये इस टाइम पे 1829 से लेके 1835 तक गवर्नर जनरल बाद में 1833 के बाद गवर्नर जनरल है ना सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे और इन्हीं के टाइम पे आप क्या देखते हैं कि ये जो मैकॉलेज मिनट है एटीन वाली ये आती है और मैकॉले की मिनट में इंग्लिश एजुकेशन की भी बात की गई है और दूसरा जैसा कि मैं आपको बता रही थी इन्होंने इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज भी सजेस्ट किया था और क्या किया गया विलियम बेंटिक जो है उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया और गवर्नमेंट रिजोल्यूशन 1835 जो आया उसने वही बात कही जो लॉर्ड मैकोले की कमेटी ने कही थी सो इंग्लिश एज दी लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन एज वेल एज इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आर करेक्ट मुझे लगता है अब हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया है चलिए आंसर कीजिए इसका वी हैव डन दिस क्वेश्चन अकाली दल मूवमेंट पढ़ा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर बोथ आर करेक्ट ठीक है सो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए आपको पता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे आपका सिंह सभा मूवमेंट चल रहा था याद है सिंह सभा मूवमेंट है ना और उसमें क्या था सिंह सभा मूवमेंट के अंदर कि जो गुरुद्वाराज हैं

आप यहाँ पे देखेंगे कि अकाली दल फॉर्म होता है और ये इनकी टास्क फोर्स थी ठीक है ये इनकी टास्क फोर्स थी जो श्रीमणि शिरोमणि सॉरी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो उससे जुड़ी हुई थी इनके प्रेशर में आके जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे ही आप जब पढ़ते हो ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अलग अलग वेरिएंट फॉर्म्स तो हम कहते हैं किसान सभा मूवमेंट भी हो रहा है उस टाइम पे है ना उस टाइम पे आपका खिलाफत कमेटी का काम भी चल रहा है ना जो खिलाफत इशू है वो भी हम यहाँ पे ये भी पढ़ते हैं रिलीजियस इश्यूज भी जो इस टाइम पे उसमें अकाली दल मूवमेंट भी पढ़ते हैं सो so, आपका यहाँ पे क्या देखोगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने फिर एक्ट पास किया था 1925 में और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है इसको गुरुद्वार के मैनेजमेंट का काम दे दिया गया था जब ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आपका ये रिलीजियस मूवमेंट जो है है ना ये सक्सेसफुल हो गया एंड देन दे डेवलप्ड पॉलिटिकल एस्पिरेशन So, एक मूवमेंट जो रिलीजियस लाइन पे शुरू हुआ था इट टर्न अ पॉलिटिकल मूवमेंट प्रोटेक्टिंग द द ऑफ सिक्स। और यहीं से आपका अकाली दल फॉर्म होता है अकाली दल इज अ पोलिटिकल पार्टी राइट तो ये हम जब पढ़ते ना सोशल इशूज के अंदर मूवमेंट शुरू रिलीजियस इशू से हुआ है टर्न टू पोलिटिकल मूवमेंट दे टर्न इंटू अ पोलिटिकल मूवमेंट आपका अन्ना हजारे करप्शन मूवमेंट देन ग्रेजुअली इट टर्न इन टू अ पॉलिटिकल मूवमेंट एंड अ पोलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी वॉज फॉर्मड चलिए सो बोथ आर करेक्ट आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन टू यू द मेजर पॉइंट्स ठीक है चलो डू दिस क्वेश्चन प्लीज यार थोड़ा सा ना कल पढ़ के आइएगा ठीक है थोड़ा सा कल पढ़ के आइएगा वॉरेन हेस्टिंग्स है इनके बारे में लॉर्ड कॉर्नवालिस है उनके बारे में जॉन शोर है इनके बारे में तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा विलियम बेंटिक तक जितने भी आपके गवर्नर गवर्नर जनरल रहे इनके बारे में आप पढ़ के आए वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन है ना वरना बहुत स्लो हो जाता है चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव की बात है हम्म जी जी अकाली दल बादल वाली जो पार्टी है सी गाइस द करेक्ट आंसर इज वन टू एंड थ्री ठीक है द करेक्ट आंसर इज वन टू एंड थ्री को जो है ये वाइस के रूप में बाद में आते हैं 1936 से 1943 के बीच में में, रहते हैं, है ना? Offer, offer, है।, है, है। ना? ऑफर ऑफर हमें पता इससे पहले एक जॉइंट सेलेक्ट बिठाई गई थी लंदन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो, है, उस, इस कमिटी के जो है उनको भी इंक्लूड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइन में साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी ध्यान से सुनो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन जो आता है ये एक जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैं, इनमें जो डिस्कशन होता है इसके ऊपर जो एक वाइट पेपर पब्लिश किया गया उससे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी मई 1930 के अंदर उसका इस पर इम्पैक्ट था सो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी फॉर्म की गई थी लॉर्ड लिनलिथको के अंडर में यहाँ एक बार देख लीजिए इट वाज बेस्ड कमेटी लेड बायो तो दोनों जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउसेज है ना उनकी जॉइंट सेलेक्ट कमेटी थी जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा की जॉइंट सेलेक्ट कमेटी होती है उसी तरीके से लंदन में जो पार्लियामेंट है उसका जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और आपका जो लोअर हाउस है हाउस ऑफ कॉमन्स उन दोनों की एक जो ज्वाइंट जो सेलेक्ट कमेटी है इस कमेटी को हेड कर रहे थे आपके लॉर्ड लिनलिदगो जो है ये So, इसका भी आ, कुछ कंट्रीब्यूशन रहा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमें प्रोविजंस देखने को मिलते हैं उनके अंदर सो so, आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस आई हैव डिस्कस्ड विद यू है ना सो so, आपका जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इस पर एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया जाता है और इस वाइट पेपर को फिर जॉइंट सेलेक्ट कमेटी जो है पार्लियामेंट की वो स्क्रूटिनाइज करती है अपनी रिकमेंडेशन देती है और फिर ब्रिटेन का पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो पास करता है ठीक है सो वी हैव और बाकी देखो यार ये तो सिंपल है आपने मल्टीपल टाइम्स किया है इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की थी जिसमें प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश प्रोविसेस होंगे लेकिन ये फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाया क्योंकि सफिशियंट नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ने कभी ज्वाइन नहीं किया बिल्कुल डायर सिस्टम जो है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया था प्रोविंशियल लेवल पे दो सेंटर के लिए डायआर को प्रपोज किया था लेकिन वो भी कभी भी इफेक्ट में नहीं आ पाया द रीजन भी सफिशियंट नंबर ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया इसलिए तो जितने भी फेडरल प्रोविजन है सेंट्रल से रिलेटेड प्रोविजन है वो कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आए सो वन टू एंड थ्री विच कमिटी अमंग द फॉलोविंग वॉज फॉर्मड इन बॉम्बे इन मार्च 1919? चलिए हंटर कमेटी खिलाफत कमेटी सार्जेंट कमेटी सप्रू कमेटी देखो साइमन कमीशन आता है वो अपनी रिकमेंडेशन जो है वो देता है मई 1930 तक उसकी सारी रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है दो वॉल्यूम के अंदर आती है ठीक है फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं फिर असाइनमेंट कमीशन की रिपोर्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जो डिस्कशन हुए हैं उसके बेसिस पे आप क्या देखते हो आप देख रहे हो एक वाइट पेपर पब्लिश होता है और ये जो वाइट पेपर पब्लिश होता है फिर इसको कंसिडर करती है ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी पार्लियामेंट की और आप देखोगे इसको लॉर्ड लिनलिथ को जो है वो हेड कर रहे थे और ये कमेटी जो सजेशंस देती है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फाइनली पब्लिश होता है चलिए खिलाफत कमेटी हंटर कमेटी जो है है ना अगर हम इसको देखें भी तो ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपका 13 अप्रैल 1919 जो है इसमें जलियानवाला बाग मैसेकर होता है सार्जेंट कमिटी और वैसे भी अगर हम हंटर कमीशन को देखें तो वो एजुकेशन पे है।, है ना हंटर कमीशन एजुकेशन पे है हंटर जलियान वाला बाग मैसेकर में इंक्वायरी के लिए ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी सार्जेंट कमेटी को हमने देख लिया सार्जेंट प्लान आपका एजुकेशन से रिलेटेड है और ये तो आता ही आपका 1946 सप्रू कमेटी की अगर हम बात करें तेज बहादुर सप्रू कमेटी तो सप्रू कमेटी जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है मार्च 1919 में हम क्या पढ़ते हैं 1919 की शुरुआत में खिलाफत कमेटी बनाई गई थी इस कमेटी के बाद में दिल्ली में जो मीटिंग होती है उसको कौन प्रोसाइड करता है महात्मा गांधी प्रोसाइड करते हैं आगे चल के इलाहाबाद के अंदर जून 1920 में जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है उसमें डिसाइड किया जाता है कि खिलाफत कमेटी को नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम शुरू करना है राइट right? सितंबर में स्पेशल सेशन होता है उससे पहले अगस्त 31, 1920 को आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुका था। रिपोर्ट इन 1945। इसने डिविजन ऑफ इंडिया जो है इसको रिजेक्ट कर दिया था इसने माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए रिकमेंडेशंस दिए थे है ना और ऑब्वियसली बात है तेज बहादुर सप्रूस के चेयरपर्सन थे तो आपको बहुत क्लियरली अगर आप देखोगे तो हंटर कमीशन कमेटी को मैंने आपको कहा था डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी भी कहते हैं है ना डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी भी कहते हैं और ये जो कमेटी है इसके अंदर आप क्या देखोगे आप देखोगे कि डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी ने जनरल डायर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया था स्टिल कोई भी पनिशमेंट जो है वो उनको नहीं दी गई थी या सजेस्ट नहीं की गई थी कि उनको ये पर्टिकुलर पनिशमेंट मिलनी चाहिए सो so, इसीलिए हंटर कमेटी या डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी जो बिठाई गई इसके बाद इंडियंस और ज्यादा नाराज हो गए थे खिलाफत कमेटी आपको बता दिया है सप्रू कमेटी हमने देख लिया है और सार्जेंट प्लान के बारे में हमने पढ़ लिया है चलिए रेड क्लिफ कमिटी दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन कर लो इसको फटाफट से हाँ ठीक है सो so, देखो अलग अलग पर्पसेस के लिए कमेटी बनती रहती है आप एक बार हंटर कमेटी के जाके मेंबर्स पढ़ना ठीक है एक बार जाके हंटर कमेटी के इंडियन मेंबर्स के बारे में पढ़ना यूपीएससी जब पूछेगी वो स्पेसिफिकली पूछेगी आपसे तो टेंशन नहीं लेनी है कुछ नहीं है इजी है ये तो यार जब आप ये सब पढ़ रहे होते हो ना तो थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ऐसे नहीं बहुत ज्यादा गूगल में घुस जाए सर्च ही करते रहे थोड़ा सा सर्च करके पढ़ लो बस कि सिरल रेडक्लिफ जो है इनका बैकग्राउंड क्या था क्यों इन्होंने जो पार्टीशन के लिए लाइन ड्रॉ की उनके वजह से इतना ज्यादा खून खराबा हुआ इतना ज्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ क्लैशेस हुए सो so इसका अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको इनका बैकग्राउंड पता होना चाहिए है ना आ, क्रिप्स मिशन है स्टैफोर्ड क्रिप्स आए हैं आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्रिप्स जो हैं किस पार्टी से थे उनका विश्वास क्या था व्हाट टाइम में वो किस तरीके से ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर हैं हाउस ऑफ कॉमंस के आ, वो लीडर हैं है ना थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में अगर आपको बैकग्राउंड पता रहेगा तो आप ज्यादा क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाएंगे एग्जाम में चलिए अगेन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी सेपरेटेड द रेलवे बजट फ्रॉम द जनरल बजट इन 1924 रेलवे के बजट को जनरल बजट से सेपरेट कब किया गया था और अगर पता हो तो बताना कि क्यों किया गया था वेरी इंपॉर्टेंट अभी हमने फिर से इसको मर्ज कर दिया राइट right? So, कुछ तो पर्पज रहा होगा कि अलग से रेलवे का बजट क्यों बनाया गया था आ, बिल्कुल जो सिरिल रेडक्लिफ है इसमें दो मेंबर्स मुस्लिम लीग के भी थे है ना और दो मेंबर्स जो है वो कांग्रेस पार्टी ने नॉमिनेट किए थे अब थोड़ा सा सिरिल रेडक्लिफ के बारे में भी पढ़िए करेक्ट आंसर इज एक्वर्थ कमेटी है ना कमेटी सो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना बाकी यार जो इंपॉर्टेंट आज का मुद्दा था गवर्नर जनरल और वाइस रॉयस का वो हम कर नहीं पाए हैं बट कल हमें है ना ये चार करने हैं और एक्स्ट्रा चार और करने हैं सो अगर आप प्रिपेयर होके आएंगे तो इट विल बी मोर इजी फॉर मी टू तो कंप्लीट द क्वेश्चन ठीक है सो कल मिलते हैं Uh, कोशिश करेंगे कल सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस को थोड़ा पढ़ो गवर्नर जनरल्स और विलियम बेंटिक तक करके कर आइए थोड़ा सा ठीक है विलियम बेंटिक तक थोड़ा सा गवर्नर जनरल्स को पढ़ के आइए फिर कल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच